स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है इस वीडियो में बताऊंगा लड़की कब सेक्स करवाने के लिए चुदवाने के लिए तड़पती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 12-13 साल में लड़की और लड़के का इस तरह से नहीं होता कि सेक्स करवाने के लिए या फिर चुदने के लिए या फिर चुदवाने के लिए इस तरह से तड़पती है, मगर जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वो तड़पते हैं। तो अगर पोर्न वगैरह देख लिए पोर्न वगैरह देखने के बाद में या फिर गंदी अश्लील चीज़ फिल्म देखने के बाद में या फिर गंदी बातें होती हैं दोस्तों के साथ में, तो उसको सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति जाग जाता है और सेक्स करने के लिए चुदवाने के लिए तड़पती है लड़कियां। और 12-13 साल में ये नहीं होता है, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है लड़के लड़की का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनका इच्छा शक्ति जाग जाता है। उनके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन होता है जो उनको जगाने में मदद करता है, क्योंकि ऐसा हार्मोन होता है जो बच्चा पैदा करने में काम आता है, तो वो हार्मोन जाग जाता है। और 16-17 साल में लड़की बच्चा पैदा करने के लायक हो जाती है और लड़के भी हो जाता है, मगर 16-17 साल में लड़कियों का जो बच्चा होगा वो बहुत ही कमज़ोर होगा अगर बच्चा पैदा हुआ तो। इसलिए भारत में इस तरह से नहीं होता है, 18 से 21 साल तक होता है। तो इसीलिए जो हार्मोन होता है शरीर लड़की के शरीर में वो उत्तेजित हो जाता है, वो ग्रोथ हो जाता है 16-17 साल में और 18 साल में। तो इस तरह से उत्तेजित होने के बाद में अश्लील चीज़ फिल्म और गंदी बातें दोस्तों के साथ में रहने के बाद में जान लेती है और बात करती है, तो वो तभी चुदवाने के लिए तड़पती है और उनका इच्छा शक्ति जाग जाता है। और लड़के भी इसी तरह से है, लड़के के शरीर में भी कुछ ऐसा होता है और लड़की परिणाम दिखाने के लिए खीरा बैंगन या मूली गाजर का इस्तेमाल कर लेती है, और वो नहीं मिला तो उंगली कर लेती है और अपना शरीर का आग बुझा लेती है। मगर लड़का का इस तरह से नहीं होने की वजह से लड़का अपना हस्तमैथुन कर लेता है और अपने हाथ से ही काम चला लेता है, तो इस तरह से हो जाता है। और इसी तरह से लड़के और लड़कियाँ अपने शरीर का आग बुझा लेती हैं, और इसका परिणाम जो होगा वो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि बाद में पिता और माँ बनने के लायक अगर बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन हो गया तो नहीं रहोगे। तो ये बात भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीर्य जाने की वजह से वीर्य पतला हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा, और लड़की के शरीर में भी जो वीर्य होता है वो रज कहते हैं, तो वो रज निकलने की वजह से उनको भी परेशानी होगी। और बाद में अगर कुछ नहीं हुआ तो सफ़ेद पानी या फिर लड़की का भी बहुत सारा धातु रोग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब बातें हो जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है, और 16-17 साल में लड़के और लड़कियों का इच्छा जाग जाता है, तो आपको पता चल गया होगा। और कुछ ऐसे लड़कियां होती हैं जिनके माँ बाप का शरीर में सेक्स ज़्यादा होता है और उनके बच्चे का भी हो जाता है इस तरह से, जैसे 12-13 साल में ही उनका इच्छा शक्ति जाग जाता है और वो उत्तेजित होने लगती है। तो इस तरह से वो बहुत कम उम्र में ही अपना हस्तमैथुन करने लगती है और कम उम्र से ही अपना रज निकालने लगती है और मूली और गाजर का इस्तेमाल कर लेती है। तो आपको पता चल गया होगा कि लड़के और लड़कियां कब चुदवाने के लिए और सेक्स करवाने के लिए तड़पती है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बताऊंगा औरत की किस चीज़ को आप नहीं उतारोगे तो आपके फैमिली
ज़्यादा खुश रहेगा और कुछ गड़बड़ी नहीं होगा आपके परिवार में या फिर फैमिली में। तो इस वीडियो में दो चीज़ बताऊंगा, औरत की किस चीज़ को उतारना नहीं चाहिए, और दूसरा जो टॉपिक है इस टॉपिक में बताऊंगा कि किस चीज़ को आप अपने किस चीज़ को हाइड करके रखें अपने फैमिली से या फिर औरत को, किसी औरत को ना बताएं तो अच्छा है। तो ये वीडियो में यही बात बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बता देता हूँ, आप अगर किसी औरत की इज्जत उतारते हैं, किसी आदमी के सामने बहुत सारे आदमी खड़े हैं और उसको गाली वगैरह देते हैं या फिर उसको मारते हैं, तो ये मत करिए, नहीं तो आपका नहीं तो आपको परेशानी होगा। उसका इज्जत वगैरह मत उतारिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि औरत का इज्जत उतारना बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा माना गया है। और अगर आप औरत की इज्जत उतार दोगे तो आपका जो फैमिली है वो बहुत ही बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह से औरत की इज्जत मत उतारिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करते हैं और उसमें सैलरी वगैरह मिलता है, तो किसी दिन भी औरत को मत बताइए, नहीं तो वो किसी को भी जाकर बोल उनको इतना तो उनको इतना ज़्यादा सैलरी वगैरह मिलता है तो कोई उधार लेगा, और उधार लेने के बाद में आपको देना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी है वो पहले ही जान चुका है। और तीसरा टॉपिक है फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक ये है कि आप अपने फैमिली में आपकी फैमिली में जो कुछ भी होता है उसको हाइड करके रखें, किसी को मत बताइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपका, क्योंकि बाहरी कोई आदमी आपके घर का जो हाल है वो सब जानेगा, तो वो और कुछ करने के सोचेगा और आपको इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आपके फैमिली में कौन कौन काम करता है और क्या काम करता है इसके बारे में भी आप इसको हाइड करके रखें, नहीं तो इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये इंसानी आदत बहुत ही ख़राब होता है, वो अगर आपसे उधार लेगा और उधार लेने के बाद में आपको रिटर्न नहीं करेगा तो आपको बहुत सारा गुस्सा आएगा। और जो इंसान आपसे उधार लेगा उसका दोस्त भी नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल आदत है इंसान की, जो कुछ भी इंसान लेता है वो देने में कतराता है और देना नहीं चाहता है, बहुत बार दौड़ना पड़ता है। तो आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किन चीज़ों को आप संभाल कर रखेंगे और दूसरों को नहीं बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो, आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नया वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।